10 अप्रैल 2022 रामनवमी का दिन था। भारत को रामराज्य कहने वालों के लिए बड़ा दिन था, इतना बड़ा कि देश के कई राज्यों से अलग अलग तस्वीरें सामने आने लगीं। ऐसी तस्वीरें जिससे ये साबित होता है कि आने वाला भारत कैसा होगा। अब इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों की, जिनका आरोप है कि इन्हें ABVP के लोगों ने रविवार को रामनवमी के दिन नॉनवेज खाने के चलते इन्हें पीटा। वहीं ABVP के लोगों का आरोप है कि छात्र पूजा कर रहे थे, जिस पर लेफ्ट के लोगों ने हमला कर दिया। घटना के बाद लेफ्ट के लोगों ने 11 अप्रैल की सुबह ABVP के अज्ञात छात्रों के खिलाफ धारा 323, धारा 341 जैसी कई अन्य धाराओं में FIR दर्ज कराई। FIR के बाद भी लेफ्ट के लोग दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए आए और उनकी मांग थी कि मामले की जल्द से जल्द जांच कराई जाए और तुरंत एक्शन लिया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पर डिटेन कर लिया। हिंसा के दौरान की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जिसमें एक छात्रा खून से लथपथ नजर आ रही हैं। हमने ABVP के लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस वीडियो के शूट होने तक हमें उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक JNU के कावेरी हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी को एक दिन पहले कहा गया था कि रविवार 10 तारीख को हॉस्टल में नॉनवेज फूड ना दिया जाए, और इस बात की पुष्टि मेस वार्डन गोपाल ने भी की। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का माहौल हो जो 10 तारीख को देखने मिला, इसके चलते उन्होंने ऐसा सुझाव दिया था। इसके अलावा हम आपको बता दें कि JNU के 2017 से अभी तक के विवादों में पुलिस ने करीब 52 FIR दर्ज की हैं, लेकिन एक भी FIR में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वर्ष 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2020 में हुई मारपीट मामले में तो अभी तक ना कोई चार्जशीट दाखिल की गई है और ना ही किसी की गिरफ्तारी हो सकी है। इस मामले में बाहरी छात्रों ने आकर JNU के छात्रों से मारपीट की थी। अब इस मुद्दे पर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि इस तरह की जो लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं देश की यूनिवर्सिटीज से, इसके क्या मायने हैं। देखिए, इस समय जो देश भर में माहौल है, उस माहौल से बहुत अलग किसी देश का विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान नहीं हो सकते। असल में हम लोग, और खासकर मैं अपनी बात करूं तो मैं शिक्षा में हिंदी और साहित्य से जुड़ा हुआ हूं, मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, तो हम लोग अक्सर एक बात पढ़ते पढ़ाते हैं कि एक तरफ कहा गया कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो दूसरी तरफ कहा गया कि साहित्य समाज को आगे आगे दिशा दिखाने वाली एक मशाल का भी नाम है। यानी बहुत गहरा रिश्ता समाज साहित्य से है, उसी तरह से शैक्षणिक संस्थानों से है। तो पहली बात तो मेरी ये है आपके सवाल के जवाब में कि ये जो हमला विश्वविद्यालयों पर हो रहा है, और JNU के संदर्भ में बात करें तो ये हमला केवल इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि एक विश्वविद्यालय या कुछ छात्रों पर हमला है, बाहर भी जो माहौल बना है समाज में उससे हमें इसे जोड़कर देखना चाहिए, बात नंबर एक। बात नंबर दो कि बाहर की जगहों पर अगर इस तरह के हमले होते रहेंगे, एक संप्रदाय के खिलाफ नफरत का माहौल होगा और खास तरह से बहुत हिंसक भाषा का इस्तेमाल होगा, हिंसा करने को उकसाया जाएगा, उसे धर्म के लिबास में प्रोपोगेट किया जाएगा, और जो लोग हिंसा में लिप्त होंगे उन्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। कई बार तो ऐसे मामले आएंगे कि जो ज्यादा उग्र और हिंसक रहा उसे पुरस्कार के रूप में कुछ और बड़ा दिया गया, तो मनोबल बढ़ता है और वो लोग हिंसक बाहर भी कैंपस के करते हो भीतर भी। दूसरा पहलू इसका ये है कि ओवरऑल जैसा माहौल इस देश में बनाया जा रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, बीमारी है, बेकारी है, यानी आम जनजीवन बेहद त्रस्त है। इस पर कोई सवाल न पूछे, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ये न पूछे कि हमें बतौर नागरिक क्या मिलना चाहिए था, जिसका वादा आपने किया था वो क्यों नहीं मिल रहा है, ये सवाल कहां से पैदा होते हैं। एक देश में सवाल नागरिक पैदा करते हैं और विश्वविद्यालय नागरिक पैदा करने की एक प्रयोगशालाएं होती हैं। तो आप सवालों से डरते हैं और सवालों का जवाब आपने देना चाहते, तो ये दोनों काम पैरेलल कर रहे हैं। एक तरफ हिंसा का माहौल, नफरत का माहौल बनाए हुए हैं, और दूसरी तरफ जहां से सवाल उठ सकते हैं उनको लगातार कमजोर और बर्बाद किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के नाम पर ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जो
अकादमिक संस्थानों के चरित्र को कमजोर करें, उन्हें निजी हाथों की तरफ ढकेला जाए और कैंपस के भीतर भी हमेशा विवाद और हिंसा का माहौल बना रहे कि असली मुद्दों से बहस भी डाइवर्ट की जाए और सांप्रदायिकता का जहर अब देखिए पूरे देश में फैल चुका है, इसलिए अपने एजेंडे पर भी ये काम किया जा रहा है। आपके सवाल का दूसरा पहलू जो है कि केवल जेएनयू के विशेष संदर्भ में चूंकि आज बात कर रहे हैं, उसमें आपने खुद अपने सवाल में कहा कि 2017 से अब तक लगभग 50 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जेएनयू पर निशाना साधने की कई वजहें हैं और आज ही कल की एक रिपोर्ट है, सरकारी जो संस्थान है वो संस्थान कह रहे हैं कि इस समय देश का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय कौन है, जेएनयू, सबसे अच्छा रिसर्च कहाँ हो रहा है जेएनयू में, सबसे अच्छा एकेडमिक एटमॉस्फियर कहाँ है, विरोधी परस्पर विरोधी आवाजों को भी एक लोकतांत्रिक ढंग से डिबेट डायलॉग डिस्कशन का माहौल कहाँ है जेएनयू में, और एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज भी जेएनयू देता रहा है, इसलिए लगातार जेएनयू पर अटैक हो रहा है और उसी का एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि जेएनयू में एक ऐसी प्रयोगशाला बना दी गई है कि जेएनयू को बर्बाद करने वाले वीसी को अब कुल और यूजीसी का चेयरमैन बना करके प्रमोट किया जा रहा है। तो इस वजह से ओवरऑल जो चैलेंज बना हुआ है जेएनयू, ये उसी का परिणाम है, हमेशा इसी तरह की बहसों में उलझाए रखने की कोशिश है और असली मुद्दे शिक्षा और रोजगार के हैं, महंगाई के हैं, वो जो मुद्दे हैं उसको लेकर के इस देश में बहस ना हो, इसलिए नफरत और हिंसा का माहौल एक संप्रदाय के खिलाफ उठाया जा रहा है।